हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसेंट्रिक एजुकेशन। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास नाइन्थ के मैथ्स के एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखो, जैसे कि उस बच्चों को पता भी हुआ कि आपका जो पेपर है वो 80 मार्क्स का आएगा। पहले 100 नंबर का होता था, बट अब 80 मार्क्स का है। जो 20 नंबर है वो आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, ठीक है। तो अब 80 मार्क्स में किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करा गया है। अब आपके पेपर में 40 क्वेश्चन है। हाँ जी, पहले आपके पेपर में 36 या 32 क्वेश्चन आते थे, अब आपके पेपर में 40 क्वेश्चन है सॉरी। तो मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कराया गया है एंड किस किस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपका दो पार्ट में आपको पेपर को डिवाइड करा जाएगा। चार ब्लॉक में डिवाइड करा गया, बट मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा। देखो, पहला है 20 नंबर का, सेकंड है 60 मार्क्स, ठीक है। तो पहले जो 20 नंबर्स के हैं उसमें आएंगे आपको एक एक नंबर के क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब इसमें से भी आपको 10 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मतलब आपको चार एक क्वेश्चन दिया जाएगा और चार ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। आपको सॉल्व करके बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो बहुत ईजी है। उसके अगला विलिंगम लाइंस। विलिंगम लाइंस मतलब आपको एक लाइन दे दी जाएगी, उसमें एक ब्लैंक दे दिया जाएगा एंड आपको उसको फिल करना है। वैसे आएंगे आपके तीन क्वेश्चन, और तीन क्वेश्चन आएंगे आपके ट्रू फॉल्स। अब ट्रू फॉल्स में आपको रीजन लिखना पड़ भी सकता है, नहीं पड़ सकता। गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स हैं तो मना करते हैं कि रीजन नहीं लिखना, बट मेरे हिसाब से आपको रीजन भी आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे वो कह रहा है कि ऑल इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ये फॉल्स है। हर इरेशनल नंबर रियल नंबर नहीं हो सकता, मैं लास्ट आपको बताया था, बट इसका रीजन क्या है। वहां पे आपको खाली ट्रू नहीं लिखना, रीजन भी लिखना है। देखो, मैं गारंटी नहीं कह सकता कि आप अगर रीजन नहीं लिखोगे आपको मार्क्स कट जाएंगे, बट मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि आप रीजन भी लिखो तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और बाकी आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना ये दो क्वेश्चन आएंगे आपके असर्शन एंड रीजन वाले। अब ये आपका बहुत नया टॉपिक है असर्शन एंड रीजन, ये आज तक आपने नहीं पढ़ा। रियलिटी बात है, ये इस बार नया इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे कोर्स में, और ये इसके बारे में भी मैं आपको बात करूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। और आपके दो क्वेश्चन आएंगे आपके वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सिंपल है, जो जिसकी पहले आते थे हमारे बेसिक, कि मतलब आपको एक क्वेश्चन देखा होगा, आपको सॉल्व करना है, वो एक नंबर का होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 20 नंबर के एक क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें 10 एमसीक्यू, 3 फिल इन द ब्लैंक्स, 3 ट्रू फॉल्स, 2 असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, 2 वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। अब आते हैं 7 नंबर वाले पे। 60 मार्क्स में आपको 6 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 मार्क्स वाले, 6 क्वेश्चन आएंगे आपके 2 मार्क्स वाले, जो कि बनेंगे 12 मार्क्स, सिंपल है। और 8 क्वेश्चन आएंगे आपके 3 मार्क्स वाले, वो बनेंगे 24 मार्क्स। और ऐसे ही आपके 6 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स वाले, जो आपके बनाएंगे 24 मार्क्स। अब इन सब क्वेश्चंस को मिला के बनेंगे 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन होगा ये, 20 क्वेश्चन होगा ये, तो ये क्या बना देंगे दोनों मिलके 40 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको 40 क्वेश्चंस का पेपर आएगा। अब देखो, ये थोड़ा लेंथी होगा। अब बच्चे पूछते हैं, सर हम लास्ट से स्टार्ट करें, शुरू से स्टार्ट करें, किस तरीके से स्टार्ट करें कि पेपर हो जाए पूरा। वैसे पहले ही पूरा नहीं होता था, अब तो उन्होंने 40 क्वेश्चन कर दिए। ये बच्चों को लग रहा होगा ये आसान है, एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक, इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये नहीं आप वो क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको चार एमसीक्यू दे रखे हैं, वो तुरंत ही आपको आंसर मिल जाएगा उसका, नहीं। ये मैथ्स है, ये एसटीएम साइंस नहीं है, ये पूरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। चाहे आप रफ वर्क में कर लो, उनको आंसर से मतलब है, उनको सॉल्यूशन से मतलब है, उनको आंसर से मतलब है, बट उस आंसर निकालने के लिए आपको सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, ये जो चीज है ना बेसिकली, ये तो पहले भी पैटर्न आता था ऐसे ही, बट जो ये चीज है ना, इसको इन्होंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया।